स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रेंडिंग सुमो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर ले ताकि ट्रेंडिंग सुमो की वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। केबीसी की हॉट सीट पर बैठना हर किसी का सपना हो सकता है। मात्र कुछ सवालों के जवाब देकर आप एक मोटी धनराशि जीत सकते हैं। केबीसी में उषा यादव ने 12 सवालों का जवाब देकर 25 लाख रुपए जीत लिए। उनकी इस जीत से न केवल परिवार वाले बल्कि पूरा गांव गदगद है। उषा ने हॉट सीट पर बैठकर अमिताभ बच्चन द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब पूरे आत्मविश्वास से दिए। 12 प्रश्न में उनकी धड़कन जरूर बढ़ गई थी। उषा यादव इस समय भुस्का गांव में अपने मायके में थी और वो अपने कार्यक्रम का प्रसारण पिता राधेश्याम यादव, माता शांति देवी वे अपने भाई पुष्पेंद्र, देवेंद्र, बहन विजय लक्ष्मी और सुषमा यादव के साथ देखने के लिए रात में करीब 8:30 बजे से ही टीवी के सामने बैठ गई। प्रसारण के पहले केबीसी में हुई जीत को लेकर उषा यादव ने कहा कि हॉट सीट पर पहुंचने के बाद अमिताभ जी ने प्रयागराज के आन बान शान की बात कहकर हमें इम्तिहान में डाल दिया और मैंने जितने सवालों का जवाब दिया है उससे निश्चित ही प्रयागराज की शान बढ़ी है। सोमवार देर शाम उषा को बधाई देने के लिए लोगों का तांता लग गया। राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह ने उषा को फोन पर बधाई दी। इसके अलावा उरुवा की पूर्व ब्लॉक प्रमुख आरती गौतम, भाजपा नेता सुशील मिश्रा, समाज सेवी नीरज यादव आदि लोगों ने प्रयागराज का गौरव बढ़ाने के लिए उषा को बधाई दी। किस प्रकार थे सवाल? उषा से अमिताभ द्वारा किया गया पहला सवाल हिंदू कहावत से था, जिसमें पहले खाली स्थान के बाद फिर का बैल था, जिसका सही जवाब देते हुए उषा ने कोल्हू का बैल बताकर वाक्य पूरा किया। दूसरा सवाल था बंगाल बट्टी किससे बनी होती है, इसका भी सही जवाब उषा ने आटा बता कर दिया। अमिताभ द्वारा किया गया तीसरा सवाल था किस देवता की पूजा महाकाल के रूप में की जाती है, जिसके लिए विकल्प दिए गए थे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र। इन विकल्पों में से उषा ने शिव का नाम चुनकर प्रश्न का सही जवाब दिया। अमिताभ ने 40,000 के सवाल के लिए उषा को एक गायिका का वीडियो दिखाकर नाम पूछा, जिसका उषा ने सही जवाब मैथिली ठाकुर दिया। 6,40,000 रुपए का 11वां सवाल लोकसभा में बजट पेश करने वाली पहली महिला मंत्री कौन थी, उषा ने इसका भी सही जवाब इंदिरा गांधी देकर यह धनराशि भी अपने नाम कर ली। कुल 12 सवालों का जवाब देते हुए उषा ने 25 लाख रुपए जीते। बता दे कि उषा का मायका मेजा के ही भस्का गांव में है। उन्होंने मेजा रोड के नंद किशोर इंटर कॉलेज से 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद सिरसा के लाला लक्ष्मी नारायण डिग्री कॉलेज से स्नातक की परीक्षा और फिर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से बीएड की पढ़ाई पूरी की। वर्ष 2012 में पिता राधेश्याम यादव ने उनकी शादी उरुवा के रामनगर गांव में धर्मेंद्र यादव से कर दी। उषा ने बताया कि इस दौरान उन्होंने टीईटी की परीक्षा पास की। मेरे मन में हमेशा से यह रहा कि कुछ ऐसा करूं कि मेरा और परिवार का नाम रोशन हो। पति बहुत पहले से केबीसी के लिए प्रयास कर रहे थे। पहले मेरे पास एंड्रॉइड फोन नहीं था, लेकिन फोन मिलने के बाद पति ने मुझसे भी प्रयास करने के लिए कहा। मैंने कोशिश शुरू करते हुए इसके लिए पंजीकरण कराया, फिर लखनऊ में मेरा ऑडिशन हुआ। वहां सफल होने के बाद मुंबई में फास्ट फिंगर फर्स्ट प्रोग्राम में बाजी मारकर हॉट सीट तक पहुंची। तकरीबन घंटे भर के प्रोग्राम के दौरान अमिताभ जी ने तरह तरह के सवाल किए, जिसका मैंने सफलतापूर्वक उत्तर दिया। आरंभ में यह बताने के बाद कि मैं प्रयागराज से हूँ, अमिताभ जी बोले, फिर तो प्रयागराज की आन बान शान आपके कंधों पर है। वहाँ मेरे पति के साथ ही मेरा बच्चा और मेरे ससुर जी भी थे। पति सहित पूरे परिवार का सहयोग ना होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। वापसी पर परिचितों, करीबियों और रिश्तेदारों की ओर से लगातार बधाइयां मिल रही है। मेजा की विधायक नीलम करवरिया सहित रामनगर के समाज सेवी नीरज यादव, भुस्का के संतलाल सिंह यादव आदि ने भी मेजा का नाम रोशन करने के लिए बधाई दी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो और हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। और सुनो, ट्रेंडिंग खबरों के लिए यहाँ वहाँ मत घूमो, सब्सक्राइब करो ट्रेंडिंग सुमो।